अच्छा अब यहाँ पे हम किस तरह, अब पॉइंटर की डेफिनेशन तो ये हो गई कि पॉइंटर क्या करता है, पॉइंटर स्टोर द मेमोरी एड्रेस ऑफ एन अदर वेरिएबल। किसी भी वेरिएबल की जो वैल्यू है ना, अगर वेरिएबल हमारे पास ए है और इस वेरिएबल की वैल्यू क्या है 20, और 20 जहाँ पे कंप्यूटर की मेमोरी में पड़ा है ना, जहाँ कंप्यूटर में रैम में ये पड़ा है ना, स्टोर हुआ पड़ा है, इसका अगर मुझे एड्रेस देखना हो, एड्रेस गेट करना हो, तो वो हम किस तरह गेट करेंगे, वो हम पॉइंटर को यूज करते हुए गेट करेंगे। अब मिसाल के तौर पर लेट मेरे पास क्या है, यहाँ पे लेट बी है और बी इज इक्वल टू एड्रेस, एड्रेस की ये साइन हम यूज करते हैं ए। अब एड्रेस का, ए का एड्रेस जो है ना, वो मैं बी में स्टोर करना चाह रहा हूँ, और बी में स्टोर करने के लिए आपको यहाँ पे इसको पॉइंटर वेरिएबल बनाना चाह रहा हूँ बी को, तो इसको पॉइंटर वेरिएबल बनाने के लिए आपको यहाँ पे स्टेरिक यूज करना पड़ेगा, ठीक है ना। जब आप स्टैटिक वेरिएबल यूज, यहाँ पे स्टैटिक यूज करोगे, साथ में बी आएगा इक्वल टू एड्रेस ऑफ ए, ठीक है ना। अब यहाँ पे अगर मैं कंसोल करूँ ना, डॉट लॉग करूँ और यहाँ पे मैं लिखूँ, क्या मैं बी लिखूँ, तो मेरे पास बी में क्या स्टोर होना है। अब बी में मैं यहाँ पे पहले बी स्टोर कर प्रिंट करता हूँ, फिर स्टैटिक बी प्रिंट करूंगा, आपको मैं दोनों वैल्यूज दिखा देता हूँ। मेन डॉट सी पी पी आ गया मेरे पास। अब यहाँ पे ये कह रहा है ये लाइन उड़ा दो, मैंने उड़ा दी लाइन। अब यहाँ पे वो ये कह रहा है कि ये आपने ये जो लिखा है ना इस तरह, आप इसको इस तरह मैंने कर दिया, अब तो ठीक है। अच्छा अब यहाँ पे कह रहा है इस, तो इसको इस तरह प्रिंट नहीं कर सकते, तो किस तरह प्रिंट कर सकते हैं, मैंने स्टैरिक दे दिया। अगर स्टैरिक यहाँ पे वो कहता है इस तरह भी नहीं, तो फिर किस तरह, मैंने कहा चले जी एड्रेस ऑफ व्हाट इज दिस एड्रेस ऑफ ए। अब यहाँ पे एक्चुअली यहाँ पे मैं ये करना चाह रहा था कि यहाँ पे स्टैरिक लगाने से, सॉरी यार लेट मैं क्यों यूज कर रहा हूँ, मुझे इंट यूज करना है। अच्छा जी यहाँ पे मैं इसमें स्टैरिक दे देता हूँ। अब यहाँ पे वो कंसोल भी क्यों यूज कर रहे हैं, जावास्क्रिप्ट पढ़ा पढ़ा के ना मेरा दिमाग में ना वही चीजें चल रही हैं। यार सी आउट, और सी आउट में मैंने इसको लिख दिया। अब यहाँ पे ब्रैकेट खत्म, ये भी खत्म, और यहाँ पे जस्ट बी, और मेरे पास यहाँ पे वो इसको इस तरह नहीं लेगा, तो फिर मैं इसमें स्टैरिक लिख देता हूँ। कंट्रोल एक्स किया, हैश, कुछ लिखा ही नहीं है, ऐसे ही चल पड़े हम। इंक्लूड आयो स्ट्रीम, उसके बाद यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी, और यहाँ पे इंट मेन, और यहाँ पे इसके अंदर आप पेस्ट करेंगे। तो हाँ जी डाल मेन का है, मेन यूजिंग नेम स्पेस, का है, मेन का, मेन का। ओके जी ये लगा दिया, आप सी आउट कर दिया, आप यहाँ पे रिटर्न 0 कर दिया। अब हम चलेंगे जी, अब इसको हम देखेंगे। अब यहाँ पे मेरे पास वैल्यू उसने दे दी 20, कितनी दे दी 20, जबकि मुझे 20 तो प्रिंट ही नहीं करवाना, तो फिर मुझे क्या प्रिंट करवाना है, मुझे जस्ट बी प्रिंट करवाना है। जब मैं बी प्रिंट करवाऊंगा तो बी में मुझे यहाँ पे वो एक एड्रेस दे देगा, और बी यहाँ पे क्या है, बी को मैंने क्या किया है, बी को मैंने एक पॉइंटर वेरिएबल बनाया है, ठीक है ना। आप पॉइंटर वेरिएबल की क्या डेफिनेशन थी, एक्चुअली पॉइंटर एक ऐसा वेरिएबल होता है जो किसी दूसरे वेरिएबल का एड्रेस स्टोर करता है। एड्रेस का मतलब यहाँ पे ये है कि अगर हम यहाँ पे देख रहे थे कि कंप्यूटर है, कंप्यूटर में एक रैम होती है, तो रैम में अगर मैं बात करूँ तो रैम, दिस वन इज रैम, और इसमें ब्लॉक की सूरत में डाटा स्टोर होता है, और यहाँ पे एक ब्लॉक है, ठीक है ना। और मैंने इसमें लिख दिया ए, और ए में इधर मैंने वैल्यू कुछ पास कर दी 20, ठीक है। और जो भी मैंने इसमें वैल्यू पास की है, इसका कंप्यूटर खुद से कोई एक एड्रेस बनाता है, इस ब्लॉक का कंप्यूटर के पास कोई एड्रेस स्टोर होता है ना, तो इस एड्रेस को मुझे गेट करना है कि ये 20 कहाँ पे पड़ा है।
और इसको गेट करके मुझे क्या करना है, मुझे एक किसी और वेरिएबल में मुझे क्या करना है, इसको स्टोर करना है। तो उसके लिए फिर मैं क्या यूज करता हूँ, उसके लिए हम यूज करते हैं पॉइंटर को यूज करते हैं। ठीक है जी, आप पॉइंटर को यहाँ पे, इसके लिए फिर हम क्या करते होते हैं, यहाँ पे मैंने क्या किया, एक वेरिएबल लिया, उसकी वैल्यू ले ली 20। अब मुझे यहाँ पे ये चेक करना था कि ये जो 20 है इसका एड्रेस क्या है। ठीक है ना, तो एड्रेस गेट करने के लिए मैंने यहाँ पे क्या किया, मैं सारा ये दोबारा कोड कर देता हूँ। फिर मैंने यहाँ पे ये किया कि ये तो मैंने एक सिंपल वेरिएबल लिखा है, अब मैंने इस ये जो वेरिएबल है इसकी जो वैल्यू है जहाँ पे पड़ी है उसका मुझे एड्रेस गेट करना है, तो फिर मुझे एक पॉइंटर वेरिएबल यूज करना पड़ेगा। तो पॉइंटर वेरिएबल का मतलब ये होता है, जब भी आप किसी भी वेरिएबल को पॉइंटर बनाना चाह रहे होते हो तब आप क्या यूज करते हो, स्टैरिक। और स्टैरिक के बाद यहाँ पे क्या यूज करना है हमने, स्टैरिक के बाद आप बी यूज कर लो, बी की जगह आप सी यूज कर लो। और सी इज इक्वल टू, मैंने क्या किया, सी इज इक्वल टू एड्रेस, ये एड्रेस के लिए, और एड्रेस किसका, ए का, मतलब जो ए की वैल्यू का एड्रेस है वो वहां पे कहाँ पे पड़ा है। अब यहाँ पे मैं करता हूँ इसमें सी आउट, सी आउट करके, सी आउट के बाद हम क्या लिखेंगे, सी आउट के बाद लिखेंगे हम यहाँ पे द वैल्यू ऑफ द एड्रेस ऑफ द वैल्यू ऑफ ए इज। उसके बाद क्या करेंगे हम, उसके बाद हम क्या यूज कर लेंगे इसमें, सी यूज कर लेंगे और उसके बाद एंड एंड एल कर देंगे सी सी। ये मैंने क्यों लिखा है सी, बेटा ये सी है ये वाला। हाँ जी, मैंने ये क्यों लिखा है, ये सी जो है ना, ये वाला सी, ये क्या कर रहा है, ये एड्रेस को स्टोर कर रहा है। ये वाला एंड का साइन जो है ना, ये यहाँ पे एंड का नहीं है, यहाँ ये जो साइन है ना, इसको एड्रेस के लिए हम इसका नाम यहाँ पे कुछ पढ़ लेते हैं। ठीक है ना, प्लस प्लस, इसको ये इसका नाम है। ठीक है, इस सिंबल का नाम ये है, ये इसको ये बोलते हैं, इसका मतलब होता है एड्रेस। और एड्रेस कहाँ पे, किसी भी वेरिएबल, वेरिएबल कौन सा था, ये हमारे पास वेरिएबल यहाँ पे क्या था, ये अभी पढ़ा पढ़ा के ना दिमाग सारा इधर ही मेरा चल रहा है। अच्छा जी, ये यहाँ पे ये एड्रेस का है, एड्रेस किसका, ए का, और ए की वैल्यू का एड्रेस। अगर मुझे ना यहाँ पे एक चीज मैं आपको सिंपली एक बात बता दूं, अगर मुझे सिर्फ यहाँ पे चाहिए, ए की वैल्यू 20 है ना, अगर 20 को मुझे किसी और में स्टोर करना था, बी बी इसकी वैल्यू, ए की वैल्यू को मुझे बी में स्टोर करना है, तो मैं यहाँ पे सिंपल ये कर दूंगा 20 इसमें कर, ए इक्वल टू बी, या ए इधर कर दूंगा, और अब मुझे सी ए की वैल्यू मिल जाएगी। बट मुझे ऐसा नहीं करना, बट मुझे ऐसा, मुझे तो उसका एड्रेस गेट करना है। ठीक है ना, अब यहाँ पे करूंगा तो मेरे पास आंसर आ जाएगा वो वाला ही। ये क्या कह रहा है यहाँ पे, रिटर्न, कॉमा नहीं लगाया मैंने इसमें। अच्छा, अब यहाँ पे मुझे वो आंसर दे देगा, आंसर 20 दे देगा, बट मुझे एड्रेस गेट करना है, एड्रेस किसका, 20 का, और 20 कहाँ पे पड़ा है मुझे वो एड्रेस गेट करना है। ठीक है ना, 20 वैल्यू है, किसकी वैल्यू है, 20 वैल्यू है ए की, और वो कौन से एड्रेस पे, कंप्यूटर की मेमोरी में कौन से एड्रेस पे वो पड़ी है, तो फिर तब हम यूज करते होते हैं पॉइंटर। ठीक है ना, तो पॉइंटर के लिए हमने फिर अब क्या किया, पॉइंटर के लिए मैंने ये किया कि मैं यहाँ पे इंट के बाद यहाँ पे स्टैरिक लगा दूँ। जब मैंने स्टैरिक लगाया, स्टैरिक लगाने के बाद हमें ए की वैल्यू तो नहीं गेट करनी ना, क्या गेट करना है, एड्रेस। तो एड्रेस के लिए फिर ये साथ में ये एड्रेस के लिए सिंबल एड्रेस का यूज कर लिया, फिर जब सिंबल एड्रेस यूज कर लिया तो अब मैं बी इधर लिखूंगा, तो मेरे पास जब मैं बी लिखूंगा तो मेरे पास आंसर जो है वो क्या आ जाएगा, उसका एड्रेस प्रिंट हो जाएगा। ठीक है ना, उसमें मेरे पास क्या प्रिंट हो जाएगा, उसका एड्रेस प्रिंट हो जाएगा। अगर मुझे वैल्यू प्रिंट करनी हो, इस एड्रेस पे जो वैल्यू पड़ी है मुझे वो प्रिंट करनी हो, तो यहाँ पे मैंने इसमें ये लिख दिया। ठीक है, यहाँ पे मैं साथ में कुछ ना इस तरह करके लिख देता हूँ। ठीक है, द एड्रेस ऑफ ए इज, हम ये कह देते हैं कि इस लाइन में एड्रेस ऑफ ए प्रिंट होगा। ठीक है, और उसके बाद एंड एल। ठीक है, और दूसरी लाइन में फिर हम सी आउट करते हैं जी,
और सी आउट में, ठीक है, द वैल्यू ऑफ ए इज, जो ए की वैल्यू होगी नीचे वाली लाइन में ए की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। ए की वैल्यू प्रिंट करने के लिए आपको स्टेरिक बी देना पड़ेगा और यहाँ पे एंड एल कर दो, और यहाँ पे नीचे वाली लाइन में उसकी ए की वैल्यू क्या थी, 20, वो प्रिंट हो जाएगी। जब आपने वैल्यू प्रिंट करनी है तब आपने स्टेरिक यूज करना है, ठीक है ना, और जब आपने उसका एड्रेस प्रिंट करना है तब आपने क्या यूज करना है, सिंबल यूज करना है, मतलब बी यूज करना है ना, बी एक पॉइंटर वेरिएबल है तो पॉइंटर वेरिएबल को यूज करना है। जब आपने उसकी वैल्यू प्रिंट करनी है तो तब आपने साथ में स्टैरिक बी यूज करना है, ठीक है ना। और यहाँ पे अब हम जाएंगे और यहाँ पे आप देखें आपके पास दोनों आंसर आ गए, एक में एड्रेस आ गया एक में, एक दफा अपने पास रन करके देखें सारे लोग। चौधरी साहब आप भी, हाँ अच्छा, अब इसके बाद किसी भी एरे में हम ना उसकी वैल्यू और उसका एड्रेस प्रिंट करके देखते हैं। जल्दी करें भाई, 2 मिनट का काम है, करें, मोबाइल को बंद कर दो। तो चलें ये मेमोरी एड्रेस सबके लिए डिफरेंट होगा ना। डेफिनेटली, हर एक का लिए डिफरेंट होता है। आप यहाँ पे यूज करो, एक और प्रैक्टिस आप कर रहे हो ना, आप बेटा यहाँ पे ये करो, इंट सी कर दो, ठीक है, इंट सी कर दो और सी इक्वल टू आप 50 कर दो, और फिर नीचे ये करो इंट, ठीक है ना, और यहाँ पे स्टेरिक यूज करो और डी कर दो, और डी, और डी इज इक्वल टू यहाँ पे क्या करना है, एड्रेस, एड्रेस किसका, सी का, और सी को नीचे आप इसमें इसी तरह यूज कर लो जिस तरह हमने इसको यूज किया है ना, ठीक है ना, आप उसको नीचे इधर इसको यूज कर लो, मैंने इसको यहाँ पे यूज कर दी, और यहाँ पे आप इसकी जगह आप डी लगा दें और इसकी जगह आप इधर भी डी लगा दें। अब आप चेक करें आपके पास दोनों के आंसर, अब यहाँ पे वही इसमें सेमी कॉलन ही हमने लगाया। अब यहाँ पे देखें एड्रेस सेम है डिफरेंट है, आप इसमें मतलब मुख्तलिफ नंबर ऐड करके देखो। बट मेरे तो लास्ट 2 नंबर्स डिफरेंट। तो इधर भी लास्ट 2 नंबर ही डिफरेंट है, एक में F8 आ गया एक में FC आ गया। अब इसमें वेरिएबल चेंज करके देखो, अब आपने, अब आप नेक्स्ट करो एरे की वैल्यू को प्रिंट करवा के देखना है। अब आपने मैंने तो ये स्टेटमेंट लिखी है ना, आप स्टेटमेंट अपने पास से कोई भी लिख सकते हो, मैंने जो एड्रेस निकाला है ना, आपने वैल्यू में क्या लिखा है? ये तो मैंने वैल्यूज लिख दी है ना। बी दोबारा लिखा है? नहीं, हाँ जी, तो यहाँ पे डी कर देते हैं। एक आपने लिखा वैल्यू ऑफ बी इज लाइक जो जो सी की वैल्यू है वो देगा ना, वो सेम क्यों है? अच्छा, कौन सा सेम क्यों है? वो स्टेरिक है। हाँ जी, हाँ जूम कर दो, जी, वो नहीं जूम कर रहा इसको, कह रहा नहीं। हाँ फिर स्क्रॉल से करें, स्क्रॉल से वो लैपटॉप पे भी एक ट्रिम कंट्रोल लगता है। स्क्रॉल से तो नहीं चल रहा ये, नहीं छोड़, यहाँ से होगा, नहीं ये फाइंड के लिए है, जूम के लिए यहाँ पे ऑप्शन तो कहीं ना कहीं तो होगी ना। ठीक है, मैंने देख लिया। अच्छा, ऐड ये रिमूव करने के लिए,
हो गया भाईजान, हो रहा है आपके पास?
पास वो कंपाइल हो रहा है, एरर तो नहीं आ रहा ना, देख लेते इनम। अच्छा यार ये इनम है, हमने इनम क्या लिखा हुआ है उसको, इनम एन सी प्लस प्लस इनेमुलेशन, यहाँ पे आप स्क्रॉल करें ये जी इनम सीजन ये लिखा हुआ मौसम, आप इनको प्रिंट करवाना है तो सीजन इक्वल टू, यहाँ पे उसने क्या किया सीजन ऊपर लिखा है, इधर डिक्लेयर करवाया है, नीचे उसकी वैल्यू उसने दी है, नीचे उसने उसकी वैल्यू दी है, और वैल्यू देने के बाद आप उसको प्रिंट कर सकते हो, ठीक है ना। मिसाल के तौर पर ये एक आपके पास ऊपर डेज आ गए और नीचे डेज वीक डेज, यहाँ पे उसने कहा कि वीक डेज एंटर करो जी टू डे, और टू डे के बाद इक्वल टू यहाँ पे वेडनेसडे, और डे को अगर आप प्रिंट करोगे तो यहाँ पे डे प्लस वन, तो डे प्लस वन में क्या रिटर्न करेगा डे फोर, और यहाँ पे टू डे इक्वल टू वेडनेसडे, और वेडनेसडे कौन से नंबर पे पड़ा है, और वेडनेसडे की वैल्यू हमने चेक करनी थी, और टू डे प्लस वन, ये यार वही सीन है जिस तरह हम पहले, ओ भाई हेलो जाग जाओ, इधर 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 ध्यान होना चाहिए जनाब, मोबाइल को इधर बात सुन ले, ये आखिरी टॉपिक ये पता है क्या इसका आखिरी टॉपिक ही है ये। अब ये आखिरी टॉपिक में यहाँ पे देखें बातें उसने क्या बताई है कि हम किसी का मतलब जो है उसकी वैल्यूज को प्रिंट, इंडेक्स नंबर उसका प्रिंट कर सकते हैं, ठीक है ना। इनम में भी काम यही है, टू डे इक्वल टू वेडनेसडे, और वेडनेसडे टू डे को यहाँ पे उसने कर दिया प्रिंट, और डे इक्वल टू ये आ गया, ये कोड करें जरा एक दफा अपने पास करें, शाबाश करिए, उसके बाद छुट्टी, और ये चारों टॉपिक की प्रैक्टिस घर से करके आनी तीनों की। आपने अच्छा बात हाँ हाँ जी क्या हुआ, हाँ लिख नहीं रही आप, अच्छा माज क्या गाने सुन रहे हैं साथ में हैंड फ्री लगा के, तारी हुई है ये आ रही है। हाँ ठीक है, अच्छा हम्म, इनम भी एक तरह की डेटा टाइप है, ओके आज ये जो हमने टॉपिक पढ़े ना तीनों, उनका सेम सारा कंसेप्ट है, पॉइंटर, उसके बाद हमने क्या पढ़ा बोला अच्छा स्ट्रक्चर, और स्ट्रक्चर और इनम सेम है, आप देख सकते हैं थोड़ा बहुत डिफरेंस है। एग्जांपल मैंने क्या सेमी कॉलन लगा हुआ, कॉलन नहीं लगा हुआ मेरे भाई, क्या हो गया, कॉलन नहीं है सेमी कॉलन है, क्या है वेरिएबल यस वो डाटा टाइप से बता रहे हैं ना, साथ में उसके साथ हमने जो ऊपर डिक्लेयर किया हुआ है ना उसको वीक को, तो वीक उसका वो वेरिएबल है,
मैं कह रहा हूँ इंडेक्स बदल के, मैंने पाइथन में इंडेक्स बदला हुआ, इंडेक्स हम 0 1 से कब शुरू कर दे, और मुझे यहाँ पे क्लस्टर यूज करना। जा रहे हैं? ठीक है, इन तीनों टॉपिक की प्रैक्टिस करके आनी है। इंडेक्स हम चेंज कर सकते हैं ना, प्रैक्टिस करके आना। चलो टॉपिक कितने पढ़े हमने कल? आज टॉपिक कितने पढ़े? तीन। कल तीनों को आना चाहिए, ठीक है ना? कल हमने और टॉपिक पढ़ने इम्पोर्टेंट।